हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आप लोग कैसे हो जरूर बताइएगा। तो आप लोगों के लिए ये न्यू टिप्स लेके हम आ गए। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमारे कामों को बहुत आसान बहुत ईजी बना देते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा कौन कौन से टिप्स शेयर किया है। तो चलिए देख लेते हैं पहली टिप्स कौन सी है। पहली टिप्स इस प्रकार मटके सी है। जैसे कि समय गर्मी का मौसम चालू हो गया है और गर्मी के मौसम में क्या रहता है कि ठंडा पानी पीने का मन करता है। तो क्या रहता है, कुछ लोग जैसे फ्रिज का पानी नहीं पीते या नहीं पसंद है, तो हम मटके का पानी एकदम ठंडा करके पी सकते हैं। तो जब भी आप मटका लाइए तो इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद इसमें हाथ डाल के साफ ना करिए, ऐसे पानी डाल दीजिए और इसे साफ कर दीजिए। हाथ डाल के नहीं करना है मटका को साफ, नहीं तो आपका जो पानी है तो ज़्यादा फिर ठंडा नहीं होगा। तो इसको साफ करने के बाद इसमें पानी भर के ऐसे ही रख दीजिए, यानी रात में रख दीजिए और सुबह फिर इसको अच्छे से साफ करके फिर इसमें क्या आपको क्या करना है कि एक सुतली वाला जो ऐसे यानी बोरी होती है वो लेना है। इसको फोल्ड करके इसमें इसको क्या करना है, गीला कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका पानी है तो एकदम ठंडा रहेगा और आपको पीने में भी यानी अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से यानी मटका जब भी आप रखिए तो इस तरीके से रखेंगे तो जो मटके का पानी है तो एकदम से ठंडा रहेगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो हम कोई भी वीडियो डालते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम रख दिए हैं। अब इसके ऊपर क्या करेंगे कि रख देंगे मटके को रख के फिर इसमें हम पानी भर देंगे। तो देखिए इसमें पानी भर दिए हैं और पानी भरने के बाद इसको हम किसी आप रख दीजिए और जब भी आप यानी पीने का मन करे तो ये इसमें क्या है कि ये इस तरीके से टोटी लगे तो हमको बार बार इसको खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे पानी ले सकेंगे। तो इस प्रकार से आप यानी मटके को पानी ठंडा कर सकते हैं और इस प्रकार मटका रख सकते हैं। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स कौन सी है, अगली टिप्स इस प्रकार सिंक से है। सिंक में क्या रहता है, बहुत गंदी हो जाती है और इसमें पानी भी जम जाता है। जब यानी खारा पानी जो होता है तो भी इसमें जमने लगता है। तो इसको यानी देखने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है, यानी गंदी दिखती है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप्स बताने वाले हैं कि इसको आप कैसे क्लीन करेंगे। तो आपको क्या करना है कि मीठा सोडा लेना है, एक चम्मच लेना है मीठा सोडा। और फिर इसके बाद क्या करना है कि आप इसमें लिक्विड डाल दीजिए, लिक्विड भी एक चम्मच इसमें डाल दीजिए। और एक चम्मच लिक्विड लेने के बाद इसमें क्या करिए कि आप थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए, वाइट विनेगर डाल दीजिए। एक चम्मच वाइट विनेगर को भी ले लीजिए। तो एक चम्मच हम ले लेते हैं वाइट विनेगर, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है। तो आप एक चम्मच वाइट विनेगर लेके फिर इसको अच्छे से मिला लीजिए इस प्रकार से। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिला लिए हैं। अब चलिए इसको हम यूज करते हैं। तो इसमें सिंक में डाल देते हैं, ये सिंक में। तो देख सकते हैं सिंक अभी कैसे दिख रही है, आप पीस को साफ करके आप लोग को दिखाएंगे कैसे दिखेगी। तो इस प्रकार पूरे सिंक में फैला देते हैं। तो इस तरीके से पूरे सिंक में फैला देते हैं फटाफट। तो देखिए फैला दिए है। चलिए एक स्क्रबर लेते हैं और इसको अच्छे से साफ करते हैं। और फ्रेंड इतना अच्छे से क्लीन हो जाता है कि आप सोचेंगे नहीं कितने अच्छे से क्लीन होता है। तो फटाफट चलिए इसको भी क्लीन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसको कैसे क्लीन कर रहे हैं। अब वीडियो को ज़्यादा हमें नहीं यानी इसको नहीं फास्ट कर रहे हैं कि आप लोग फिर बोलेंगे कि वीडियो फास्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पर नहीं करे हैं। इस प्रकार से इसको फटाफट साफ़ कर लेते हैं और जो इसमें खारा पानी है जमा हुआ है पानी वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और थोड़ा सा यानी इसको रगड़ने से ये यानी स्क्रबर करने से ये पूरा अच्छे से क्लीन हो जाती है सिंक। तो आप लोग कैसे सिंक को क्लीन करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कैसे और कर सकते हैं इसको साफ। मैं तो इसको ऐसे ही साफ करती हूँ और इसमें यानी सिंक को साफ करने की 2-3 वीडियो डाली हूँ यानी, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो इसको फटाफट क्लीन कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड कितने आसानी से ये निकल रहा है पूरा। तो देखिए फ्रेंड इसको अच्छे से जो है तो क्लीन कर दिए हैं। तो चलिए अब इसको साफ कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितनी अच्छी चमक और शाइनिंग भी आ गई है। तो इस प्रकार से अगर आपकी यानी सिंक में शाइनिंग चली गई है और पानी जमा हुआ है तो इस प्रकार से आप सिंक को क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो ये टिप्स आप लोग कैसी लगी
ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर और ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी काम आ सके। तो इस प्रकार से आप अपने सिंक को क्लीन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितने यानी साफ हो गई है, ये देखिए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, अगली टिप्स कौन सी है। तो अगली टिप्स भी आपके बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगली टिप्स इस प्रकार, जैसे चुकंदर से है, जब आप चुकंदर क्या रहता है कि बहुत फ़ायदेमंद होता है, अगर आपको खून में आयरन वगैरह की कमी है तो चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं, जूस बना के इसको पी सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, सलाद के रूप में खा सकते हैं। तो चुकंदर जब यानी सस्ता रहे तो इसको क्या करिए कि आप इकट्ठा ले लीजिए, और इकट्ठा ले ला के रख लीजिए। फिर इसको क्या करना है कि इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसको जो आगे का पार्ट है तो इस प्रकार से इसको निकाल दीजिए, और इसको हम छीलेंगे नहीं, थोड़ा सा चक्कू से हल्का यानी हल्के हाथों से इसको रब करेंगे थोड़ा सा इसका। अगर आप छिलका निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरी यानी पूरा छिलका नहीं निकालूंगी, हल्का ऊपर ऊपर से इसको, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से इसको यानी इसका जो छिलका है तो निकालेंगे। तो ये चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। तो चुकंदर अगर आप लोग भी खाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चुकंदर आप लोग खाते हैं। तो ये देखिए, इसको हम इस प्रकार से इसका जो ऊपर का छिलका है तो निकाल लिए हैं। इसी प्रकार से जितने चुकंदर हैं सभी के हम निकाल लेंगे। ये देखिए, जो भी ऐसे लग रहा है तो इसको निकाल के इस प्रकार से इसको छील लीजिए। फिर इसको क्या करना है, इसी प्रकार से और जो चुकंदर रखे हैं तो इनके भी छिलके निकाल लेते हैं फटाफट। तो देखिए फ्रेंड ने इसके छिलके जो है तो निकाल लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, इसको छोटे छोटे पीस कर यानी कट करेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं करना है। इस प्रकार से कट कर लेते हैं, ये देखिए। तो जितने चुकंदर हैं इसी तरीके से पूरे चुकंदर को हम कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड इसको जो है तो कट कर लिए हैं इस प्रकार से। तो ये देखिए कट कर लिए हैं। इसको क्या करिए कि आप पंखा में, ये समय गर्मी का टाइम है तो आप पंखे में भी रख दीजिए तो ये सूख जाएगा, नहीं तो धूप में रख दीजिए, ये 2-3 दिन के अच्छे यानी धूप लगेगी। तो इसको सुखवा लीजिए और फिर इसको आप पाउडर बना के रख लीजिए। अगर आपको खाना पसंद है तो एक चम्मच आप खा सकते हैं इसका यानी पाउडर बना के, जब भी आपको मन करे तो। नहीं तो आप इसको फेस में इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जो इसका छिलका बचा था तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको यूज करेंगे। तो आप एक बर्तन ले लीजिए, उसमें इस तरीके से इसको डाल दीजिए और फिर इसमें क्या करिए कि आप पानी डाल दीजिए, एक यानी एक जग इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डाल के इसको रख दीजिए रात भर के लिए, इसको रख दीजिए। नहीं तो आपको जल्दी है तो इसको पका के इसको ठंडा करके अपने पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। तो इसको मैं एक दिन के लिए ऐसे रात भर छोड़ दूँगी, फिर दूसरे दिन सुबह जो है तो मैं पेड़ पौधे में डाल दूँगी। तो ये खाद का बहुत अच्छा काम करता है। तो कैसे लगी टिप्स ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब